टीवी के मशहूर कपल करण मेहरा और एक्ट्रेस निशा रावल इन दिनों अपनी टूटती शादी की खबरों के चलते काफी चर्चा में हैं। दोनों का आपसी मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। 31 मई की रात निशा रावल ने करण पर मारपीट का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद करण को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद करण मेहरा को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद निशा लगातार मीडिया के सामने आकर कई करण को लेकर कई खुलासे कर रही हैं। इस मामले में निशा ने करण पर आरोप लगाया है कि करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2014 में उनका मिसकैरेज हुआ था, तब वे 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं। इस बीच उनके पति करण मेहरा उनके साथ मारपीट भी करते थे। मैं करण की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस 14 साल के रिश्ते में बहुत कुछ हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं। पत्नी के इन सब आरोपों को करण गलत बता रहे हैं। एक बातचीत के दौरान करण ने बताया कि ऐसा क्या हुआ था। दोनों की लड़ाई पुलिस थाने तक पहुंच गई। करण ने यह स्वीकार किया कि दोनों के रिश्ते में पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। करण ने बताया कि पिछले काफी समय से हम अलग होने की सोच रहे थे, लेकिन बात पुलिस तक पहुंच जाएगी इसका अंदाजा भी नहीं था। करण ने कहा, हमारे बीच चीजों को सुलझाने के लिए निशा के भाई रोहित सेतिया भी आए हुए थे। निशा और उनके भाई ने एक इलिमनी अमाउंट मांगा, लेकिन वो इतना ज्यादा था कि मैं उसे नहीं दे सकता था। तब भी मैंने साफ कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। उसके बाद जब मैं कमरे में गया तो निशा पीछे से आ गई। मैं माँ से बात कर रहा था और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाई और मेरे ऊपर थूका। उसके बाद मैंने उनसे कमरे से बाहर जाने को कहा। बता दें, इस कपल ने साल 2012 में शादी की थी, तो वहीं साल 2017 में दोनों एक बेटे के पेरेंट्स भी बने थे।